मुझे तो लगता है इधर फ्यूचर हो रहा है। एब्सोल्युटली इतना
हमारे सोनाली बेंद्रे जी को लेकर मैं प्रश्न से ही कौन सा धन्यवाद आपने मुझे बुलाया बहुत बहुत मुबारक हो बिकॉज आई थिंक वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है एजुकेशन और आपने ये क्या मुझे बताया गया कि यू आर गोइंग टू एजुकेट इंडिया एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आई थिंक इट इज द एजुकेशन हु टेक्स इंडिया एंड वर्ल्ड फॉरवर्ड कांग्रेचुलेशन सर तो आप लोगों के पास स्कूल भी है कॉलेज भी है आई थिंक एवरीथिंग इज अ वन गुड आई वाज नॉट दैट लकी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट इतना पहले मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर थे और मैं पढ़ाई में इतनी एक्सपर्ट था कि मेरे को स्पेशल डिग्री मिली उनको भी एक बार बनाने के काम में पढ़ने के लिए लिखने के लिए शायद हम लोग पढ़ा I'm joking, you know why? पढ़ो लिखो लेकिन खेलना कूदना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नो एवरीवन वांट्स टू डू थिंग्स इन लाइफ पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर होती है सोसाइटी से प्रेशर होता है कि मुझे ये बनना है वो बनना है बट दिस इज यू आर आई एम लकी यू हैव सच अ गुड स्कूल सच गुड सपोर्ट आई एम श्योर ऑल द किड्स आउट देयर आर गोइंग टू बी जीनियसेस एंड आर गोइंग टू डू वेरी वेरी इन लाइफ मैं अनन्या इस पर फिल्मफेयर अवार्ड को लेकर बाकी जो टीचर्स हैं आपके जो काम कर रहे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं मुझे लगता है कि इससे
बड़ा इससे अमेजिंग इससे ज्यादा अच्छा कार्यक्रम मिला इस दुनिया में. प्लीज कंटिन्यू टू प्लीज वेलकम. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. शर्मा जी आपसे भी कहना चाहूंगी प्लीज कर चुके हो गुड गुड वर्क. आपका ये हमारा नया अवतार जो है बहुत अच्छा लगा है. बहुत ही गहरा है लगा. पहले का जो इंतजार था उसमें हमें बहुत डर लगता था. मतलब सामने भी आती थी मुझे बहुत डर लगती थी लेकिन ये जो है बिल्कुल क्या बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you.
जिसमें भी हो उस पैशन को फॉलो जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ
सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। Now, I don't think that you can only be the entire entertainment.